ये पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी की सरकार सभी मोर्चों पे फेल हो गई है। अगर वहां के नेता विरोधी दल को कोर्ट से अनुमति लेकर के संदेश खाली वहां के पीड़ितों की पीड़ा को जानने, वहां की सच्चाई को देखने जाने का आदेश लेना पड़े और उसके बाद भी अगर उन्हें रोका जाए तो यह समझ में आता है कि वहां कानून का राज्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और वैसे भी ममता बनर्जी सरकार जब से शपथ ली है इस कार्यकाल में तब से वहां अराजकता का दौर चल रहा है। वहां लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं है और जो भी अपराधी हैं उनको पूरी तरह से संरक्षण देने का काम सरकार के आधार पर किया जा रहा है। ऐसी सरकार किसी भी तरीके से मतलब जनता की नजरों में वह प्रिय नहीं हो सकती है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी का पश्चिम बंगाल से सफाया होगा और वहां कमल का फूल खिलेगा और पश्चिम बंगाल पहले भी चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में और भाजपा प्रदेश में सरकार चलाए, लेकिन उन्होंने चुनाव में भी अराजकता की थी और जिसके परिणाम स्वरूप आज ये स्थिति खड़ी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज लखनऊ आएगी। अखिलेश यादव को न्योता दिया गया था, उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। सीटों के बंटवारे को लेकर जो इंडिया अलायंस में अभी तकरार नजर आ रही है। देखिए, सपा और कांग्रेस में तकरार हो चाहे इकरार हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह चाहे मिल करके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। यहाँ कांग्रेस का इस बार खाता नहीं खुलेगा और सपा का जो पिछली बार खाता खुल गया था इस बार उनका खाता बंद हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी की तरफ से तेजस्वी यादव अब बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, जन विश्वास यात्रा कहा है कि हमारी सरकार ने। देखिए, सीताराम है इस समय, सीता माँ का बिहार है 40 सीटें और भगवान श्री राम का उत्तर प्रदेश है 80 सीटें, तो सीताराम का जाप करो, बिहार और यूपी से इन सारे राम विरोधियों को साफ करो।